राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर साक्षी बैजल एवं डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने जनपद फिरोजाबाद के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय के पास स्थित 3 विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान हर विद्यालय में लापरवाही ज्यादा नजर आई। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में जाने पर निरीक्षण के दौरान पता चला कि यहां बच्चों को न साबुन रोजमर्रा की चीजें 3 महीने से उपलब्ध नहीं है। रजिस्टर मेंटेन काफी समय से नहीं है। खास बात जब खाने की गुणवत्ता देखने को गई तो देखा तो बच्चे एक थाली में खाना खा रहे हैं जो ठीक नहीं लगा। चावल की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई। इसके अलावा दूध में पानी मिलाने की स्थिति भी सामने आई। वहीं आगे पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन दबरे का निरीक्षण करने के साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया तो वहां की स्थिति राजकीय पद्धति आश्रम से थोड़ा अच्छी पाई गई। कमियों में कंप्यूटर नहीं केवल मौखिक कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। बिल्डिंग का निर्माण अच्छे से नहीं, बच्चे बगल की बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। सबसे चौंका देने वाली बात यह सामने आई कि यहाँ के सामिकित शिक्षा के जिला कोऑर्डिनेटर अजय कुमार पांडे नशे में पाए गए। जबकि ये गर्ल्स स्कूल है, गणित की शिक्षिका 2 माह और इंग्लिश की 1 माह से अनुपस्थित है। आगे मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा राज्य सरकार को अवगत संरक्षण आयोग से, और हमारे साथ डॉक्टर साक्षी बैजल जो कि बाल संरक्षण आयोग मेंबर। आज हम लोगों ने फिरोजाबाद में कस्तूरबा विद्यालय मुख्यालय का, मूक बधिर विद्यालय मुख्यालय, आश्रम पद्धति वजीरपुर और बाल श्रम विद्यालय नगला मिर्जा का निरीक्षण किया था। कस्तूरबा विद्यालय और मूक बधिर विद्यालय, आश्रम पद्धति और बाल श्रम, इन सभी विद्यालयों को देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी विद्यालयों में सरकारी व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी जो व्यवस्थाएं ऊपर से नीचे तक पहुंचाई जाती हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बच्चे इतनी सर्दी में हाफ स्वेटर में घूम रहे हैं। शौचालयों की व्यवस्था जर्जर है। खाने की व्यवस्था आज जैसा कि देखने में आया बहुत बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। बच्चों को पानी में दूध मिलाकर दिया जा रहा है जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, और इस पर हम सभी लोग आयोग जो है वो कड़ी कार्यवाही करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया जाएगा, और जो इसमें अधिकारी कहें कि इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही। मैम, जैसा आपने बताया कि कस्तूरबा गांधी और आश्रम पद्धति दोनों विद्यालयों में ज़्यादा कमियाँ मिली हैं, बाल श्रमिक विद्यालय में भी स्थिति ठीक नहीं मिली, चारों जगह स्थिति ठीक नहीं मिली आपका कहना है, तो कस्तूरबा गांधी में क्या क्या मुख्यतः कमियां आपको मिली, क्या स्थिति मिली? कस्तूरबा विद्यालय में एक तो कंप्यूटर की पढ़ाई होती है बट कंप्यूटर टीचर नहीं है, और सबसे बड़ी कमी जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी कहें कि बड़ी बड़ी शोचनीय स्थिति है, कस्तूरबा विद्यालय एक बालिका विद्यालय था और वहाँ पर जो एक कोऑर्डिनेटर थे समेकित विद्यालय से जुड़े हुए वो पांडे जी थे, अजय कुमार पांडे, वो समेकित शिक्षा के जिला कोऑर्डिनेटर हैं, वो वहाँ पर नशे में पाए गए जो कि बालिकाओं की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और वहाँ पर हमारे साथ जो डॉक्टर साक्षी बैजल जी सदस्य आए हैं उन्होंने उनको तुरंत वहाँ से भगाया, और भगाने मेडिकल के लिए बोला तो भाग गए, तो वो वहाँ से चले गए, तुरंत दौड़ते हुए निकल गए वहाँ से। एबीएसए वहाँ पर मौजूद थे, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया है। ये एक बहुत बड़ी चूक है वहाँ पर, और हम सभी लोग इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। बालिकाओं के जो बाथरूम थे